हमीरपुर नगर परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर भाजपा का कब्जा हुआ। चुने गए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ सभी पार्षदों को गांधी चौक पर ढोल नगाड़ों व पटाखों के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान वार्ड नंबर 7 के पार्षद मनोज कुमार मिन्हास को अध्यक्ष तो वार्ड नंबर 4 के पार्षद संदीप भारद्वाज को उपाध्यक्ष चुना गया। इस दौरान स्थानीय विधायक नरेंद्र ठाकुर भी मौजूद रहे। हमीरपुर विधायक नरेंद्र ठाकुर ने चुने गए अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित पार्षदों को भी बधाई दी और कहा कि हमीरपुर नगर परिषद को तरक्की की राह पर ले जाना ही चुने हुए प्रतिनिधियों का मकसद होगा। विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि पार्षदों को चुन लिया गया है और कहा है कि सभी पार्षदों की सहमति से वार्ड नंबर 7 से पार्षद मनोज कुमार मिन्हास को अध्यक्ष व वार्ड नंबर 4 के पार्षद संदीप भारद्वाज को उपाध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने कहा कि चुने गए पार्षदों का लक्ष्य हमीरपुर नगर परिषद को तरक्की पर ले जाना रहेगा। पूरे हमीरपुर नगर की जनता का धन्यवाद करना चाहूंगा। इस बार उन्होंने हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम जी व देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की पूरा विश्वास किया और एक प्रचंड बहुमत जो है वो नगर परिषद के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है। इसके लिए मैं तमाम अध्यक्ष उपाध्यक्ष व सभी पार्षदों सहित पूरी तमाम जनता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद व शुक्रिया करना चाहूँगा। साथ में मैं ये भी कह देना चाहूँगा कि हमारा शहर विकास के मामले में या किसी भी हमारे निवासी को असुविधा का सामना ना करना पड़े, मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि हमारे जो पार्षद चुन के आए हैं वो बिल्कुल सक्षम है प्रदेश में और देश में हमारी सरकार है। मैं यहां का भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूं, हम किसी भी किस्म की कमी नहीं आने देंगे। वैसे भी पिछले 3 वर्षों से जब से प्रदेश में हमारी सरकार बनी है, हमीरपुर शहर में आप लोगों ने भी बदलाव देखा है, ना सीवरेज की कमी है, ना पानी की कमी है, ना बिजली की कमी है। और हमने एक नया शहर को सुंदर बनाने के लिए एक बहुत बड़ा पार्क भी बना के तैयार किया है। फुटपाथ हमने, हमारी कोशिश है कि पूरे शहर में फुटपाथ बढ़िया बने ताकि पैदल चलने वालों को किसी किस्म का असुविधा का सामना ना करना पड़े। और भी जो भी हमें लगता है कि शहर के लिए ज़रूरी है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी जो ये आज जो कैबिनेट बनी है, आज जो हमारे पार्षद जीत के यहाँ आए हैं, वो पूरा शहर के निवासियों का ख्याल रखेंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि शहर में ना विकास के मामले में ना किसी के मामले में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आएगी, ये मेरा आपसे वायदा है। ये भी ठीक है, ये एक बहुत ही टिकलिश काम होता है ये, क्योंकि सभी जितने पार्षद हमारे चुन के आए हैं सभी कॉम्पिटेंट हैं, सभी पढ़े लिखे हैं, लेकिन सबको ये भी पता है, सबको ये भी पता है कि उपाध्यक्ष और अध्यक्ष एक ही बनना है। हमने सबसे बैठ के बातचीत की और सभी का हमें समर्थन मिला। बल्कि मैं तो ये कह देना चाहूँगा, आज मैंने सुबह भी जब हमने इसकी बैठक ली है तो 11 में से 9 पार्षद जो थे वो मेरे कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आए और उन्होंने सब ने यही कहा कि भाई जो आप एक फैसला कर देंगे हमें सब मंजूर है। फिर भी हमें चारों तरफ से हर जगह से हमने सुझाव भी लिए, सबके व्यूज़ भी लिए और अंत में जो हमने फैसला किया सबको साथ लेके हमें ये कहा किसी किस्म की कोई कंट्रोवर्सी ना हो और मुझे लग रहा है कि हम उसमें कामयाब रहे हैं। इसके लिए भी मैं पार्षदों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। वार्ड नंबर 7 के मनोज कुमार मिन्हास ने कहा कि वे विधायक नरेंद्र ठाकुर व हमीरपुर की जनता का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि सभी 11 वार्डों का दौरा करके उनमें जो भी समस्या आएगी उन्हें दूर किया जाएगा। सबसे पहले तो मैं आदरणीय विधायक श्री नरेंद्र ठाकुर जी का, नगर परिषद की जनता का, वार्ड वासियों का, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पर इस पद तक पहुँचाया। बाकी मैं नगर परिषद की जो जितने भी 11 वार्ड हैं उनका सभी का दौरा करके जो भी उसमें कमी पाई जाएंगी या उनकी जो भी समस्या वार्डवासी की होगी उसका समाधान किया जाएगा। चाहता हूँ पूरी वार्ड की जनता का और पूरी शहरवासियों का, अपने सहयोगियों का, जिनकी वजह से आज हम इस उपाध्यक्ष के पद पर पहुँचे हैं। मैं विशेष धन्यवाद हमारे लोकप्रिय विधायक नरेंद्र ठाकुर जी को करना चाहूँगा जिन्होंने हमें इस काबिल समझा और उपाध्यक्ष के पद से नवाजा है। मैं सभी शहरवासियों को इशारा करता हूँ कि विकास के मामले में कभी कोई कमी नहीं आने देंगे, चाहे फंड की हो चाहे किसी भी काम की हो। आप जब मर्जी हमारे साथ नगर परिषद के 10 बजे से लेकर 1 बजे तक मैं भी खुद बैठूँगा और मनोज जी भी बैठेंगे। कोई जो भी समस्या होगी हम मिलकर उस समस्या का समाधान करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे।
बता दें कि आज हमीरपुर नगर परिषद के टाउन हॉल में 11 वार्डों में चुने गए तमाम पार्षदों को शपथ ग्रहण करवाई गई, जिसके बाद नगर परिषद के अध्यक्ष पद और उपाध्यक्ष पद के लिए भी चुनाव संपन्न करवाए गए, जिसके दौरान मनोज कुमार मुन्हास को अध्यक्ष और संदीप भारद्वाज को नगर परिषद हमीरपुर का उपाध्यक्ष चुना गया है।